दुनिया के सबसे ज्यादा अमीर शहरों में शुमार दुबई पर एक के बाद एक आसमानी आफत आ रही है। पहले भीषण बारिश से आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ, उसके बाद अचानक पूरा आसमान हरा हो गया। इस भयानक नज़ारे ने लोगों के मन में खौफ पैदा कर दिया है। दुबई से आया नया वीडियो लोगों को डराने वाला है। इसमें मौसम इतनी तेजी से बदलता दिखाई दे रहा है कि देखते देखते आसमान हरा हो जाता है। इस पोस्ट को एक दिन पहले शेयर किया गया है, तब से इसे 1.5 लाख से ज़्यादा बार देखा जा चुका है। वीडियो को हजारों लाइक्स मिल चुके हैं। लोगों ने इस पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए तरह तरह के कमेंट पोस्ट किए हैं। बता दें कि संयुक्त अरब अमीरात दुबई और इससे सटे रेगिस्तानी इलाकों में हुई भीषण बारिश से आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो गया है। यहां 2 साल की बारिश एक ही दिन में हो गई। इस बारिश से दुनिया के बेहतरीन शहरों में शुमार दुबई पानी पानी नजर आया। भयानक बारिश को देखकर ऐसा लग रहा था मानो कोई जलजला आ गया हो। हवाई अड्डे पर पानी भरने के बाद यहां से विमानों का संचालन रोकना पड़ा। इस बीच दुबई से ही कई हैरान करने और डरा देने वाले वीडियो सामने आए हैं। ताज़ा वीडियो पर एक एक्स यूजर ने लिखा कि बहुत ही अप्रत्याशित मौसम है। एक अन्य ने लिखा कि क्लाउड सीडिंग के कुछ बुरे नतीजे हुए हैं। हरे रंग का मतलब आमतौर पर ओले गिरना, वबंडर या दोनों होता है। एक यूजर ने लिखा कि ये इतना डरावना लगता है जैसे दुनिया खत्म हो रही हो। दूसरी ओर दुबई में हुई भयानक बारिश पर सवाल उठने लगे हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि क्लाउड सीडिंग के फायदे हैं, लेकिन उससे ज़्यादा चिंता है। रेगिस्तानी इलाकों में इतनी ज़्यादा बारिश से ज़मीन धंसने, फ्लैश फ्लड जैसी आपदाएँ आती हैं। अगर ये ज़्यादा मात्रा में हुई तो भूकंप जैसा प्रलय आ सकता है। कई बड़ी इमारतें ज़मीन में धंस जाएंगी। इसके अलावा उस केमिकल पर भी सवाल उठता है जो क्लाउड सीडिंग में काम आता है। बता दें कि वैश्विक स्तर पर क्लाउड सीडिंग पर 1940 के दौर से काम शुरू हुआ। क्लाउड सीडिंग मौसम में बदलाव करने का एक वैज्ञानिक तरीका है। इस प्रक्रिया के तहत आर्टिफिशियल तरीके से बारिश करवाई जाती है। क्लाउड सीडिंग की प्रक्रिया के दौरान छोटे छोटे विमानों को बादलों के बीच से गुजारा जाता है। इन विमानों से सिल्वर आयोडाइड, ड्राई आइस और क्लोराइड छोड़े जाते हैं। इससे बादलों में पानी की बूंदें जम जाती है। यही पानी की बूंदें फिर बारिश बनकर जमीन पर गिरती है। क्लाउड सीडिंग के जरिए करवाई गई आर्टिफिशियल बारिश सामान्य बारिश की तुलना में ज्यादा तेज होती है। इसका असर भी काफी समय तक रहता है। एक बार क्लाउड सीडिंग करने के बाद उससे बार बार बारिश नहीं कराई जा सकती है। वहीं आसमान के हरे होने का वैज्ञानिकों ने कारण बताया। बता दें कि आसमान तब हरा होता है जब वायुमंडल द्वारा बिखरी हुई रोशनी बादलों में बर्फ की बूंदों को रोशन करती है। हेस्टिंग्स नेब्रास्का में राष्ट्रीय मौसम सेवा कार्यालय के अधिकारियों ने बताया कि पर्याप्त गहराई और पानी की मात्रा वाले तूफानी बादलों में बर्फ के कण मुख्य रूप से नीली रोशनी बिखेरते हैं। उन्होंने बताया कि जब वायुमंडल में बिखरी लाल रोशनी बादलों में नीले बर्फ की बूंदों को रोशन करती है तो वे हरे रंग की चमकती दिखाई देती है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।